माफिया डॉन अतीक अहमद की मुश्किलें फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अतीक को एक बार फिर से यूपी लाने की चर्चा शुरू हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में सजा होने के बाद अब दूसरे मामलों में अतीक से पूछताछ की जानी है। इसके लिए यूपी पुलिस ने माफिया डॉन को प्रयागराज लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। यूपी पुलिस की एक टीम अतीक के खिलाफ भी वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची है। वारंट को तामील कराने के बाद पुलिस अतीक से पूछताछ करेगी। यूपी पुलिस की कोशिश है कि अतीक को प्रयागराज लाकर उससे पूछताछ की जाए। बता दें, पिछले महीने के आखिर में अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस मामले में प्रयागराज लाया गया था। तब यूपी पुलिस 26 मार्च की शाम को 6:45 बजे उसे लेकर निकली थी और 29 मार्च को देर शाम 7:30 बजे के करीब उसे साबरमती जेल छोड़ने आई थी, लेकिन अब उसको फिर से यूपी लाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल दिसंबर 2021 में प्रयागराज के चकिया के रहने वाले जिशान पर जानलेवा हमले के मामले में अतीक से पूछताछ की जानी है। इसके अलावा पुलिस उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी अतीक और उसके भाई अशरफ से पूछताछ करना चाहती है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसका पूरा परिवार नामजद है। अतीक के भाई अशरफ का नाम भी FIR में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अतीक को प्रयागराज लाकर कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है। इसके अलावा अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। अशरफ का भी रिमांड बना है, इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। अशरफ जुलाई 2020 से बरेली जेल में है। पिछले शुक्रवार को प्रयागराज पुलिस भी बी वारंट लेकर बरेली जेल पहुंची थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया में समय लगने के कारण उसे प्रयागराज नहीं लाया जा सका। बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में यूपी के प्रयागराज पुलिस ने अतीक के पूरे परिवार को नामजद किया है। FIR में अतीक के भाई अशरफ का भी नाम शामिल है। बता दें, 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि उसका भाई अशरफ बरी हो गया है।